बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन आमिर, कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने जा रहे हैं कबाब कढ़ाई। तो सबसे पहले मैं आपको कबाब के लिए जो मसाले बताती हूँ वो आप प्लीज़ नोट कर लें। यहाँ पे हमने कीमा लिया है मशीन का, 1.25 किलो के करीब हमने कीमा लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए 1 टेबल स्पून कुटी मिर्चें, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून हमने रोस्टेड चनों का पाउडर लिया है। इसके अलावा एक अंडा जाएगा इसमें, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टेबल स्पून चाट मसाले का पाउडर। इसके अलावा यहाँ पे हल्दी जाएगी, 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी जाएगी, 1/2 टीस्पून काला नमक जाएगा और 1/2 टीस्पून सौंफ का पाउडर जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने लिया है थोड़ा सा धनिया लिया है, थोड़ा सा पुदीना लिया है, हरी मिर्च ली है 8 से 10, और एक स्मॉल साइज की और एक मीडियम साइज की हमने प्याज ली है। अच्छा, कीमा हमने बीफ का यूज़ किया। अब सब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, कुटी मिर्चें, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, चनों का पाउडर ऐड करेंगे, अंडा ऐड करेंगे, काला नमक, सौंफ का पाउडर ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कीमे में मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और एक चॉपर लेंगे और इसमें हम मीरा, हरी मिर्चें और प्याज रफली चॉप करके रखी हुई थी हमने, ये डालेंगे और इनको चॉप कर लेंगे। ये देखिए मसाला अच्छे से चॉप हो गया है हरा मसाला। अब हम इस पर थोड़ा थोड़ा करके कीमा ऐड करते जाएंगे और इस सबको भी चॉपर में चला देंगे। ये देखें कबाबों का मसाला रेडी हो गया। 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। कीमे को मैरिनेट हुए हुए 15 से 20 मिनट हो गए। अब हम हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे। और इनको कबाब की शेप देंगे। ये देखें इस तरह हम सारे कबाब अपने रेडी कर लेंगे। ये देखें तमाम कबाब रेडी हो गए। अब यहाँ पर हमने एक फ्राइंग पैन लिया है, इसमें थोड़ा सा 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, इसको गरम करेंगे और अब एक एक करके इसमें जो हमने कबाब रेडी किए थे वो ऐड करते जाएंगे। जितने कबाब फ्राइंग पैन में आएंगे उतने हम डालते रहेंगे और इनको शैलो फ्राई करेंगे और निकालते रहेंगे। कबाब अच्छे से फ्राई हो गए, बस अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए तमाम कबाब फ्राई हो गए और हमने इनको निकाल लिया है। अब हम अपनी ग्रेवी तैयार करते हैं। कढ़ाई कबाब है तो यहाँ हमने एक बड़ी कढ़ाई ली है और एक कटोरी के करीब हमने यहाँ पर ऑयल डालेंगे इसमें, इसको गर्म करेंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको भूनेंगे। अब एक बड़े साइज की हमने प्याज लेकर उसको चॉप करके रखा हुआ है वो ऐड करेंगे इसमें। इसको लाइट गोल्डन कलर देंगे, बिल्कुल लाइट सा। देखिए यहाँ पर प्याज का लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज के टमाटर लिए थे और उसे भी चॉपर में घुमा दिया था, ये हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। जब ये अच्छी तरह भून जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम ग्रेवी में डालने के लिए मसाला तैयार करेंगे। दही लिया हमने 6 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून कुटा भुना साबुत धनिया लिया है, नमक लिया 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून हमने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, 1/2 टीस्पून हमने पिसी हुई मिर्चें ली हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है। अब हम ये सब चीज़ें दही में ऐड करते जाएंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दही में हमने तमाम मसाले डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। अब हम इसे साइड में रख देंगे। ये देखिए टमाटर अच्छे से भून गए, ऑयल ऊपर आ गया। अब जो हमने मसाला दही में मिला के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको कवर रख देंगे ताकि ये भी मसाला अच्छे से जो है वो भुन जाए। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया। अब हम इसमें कबाब जो हमने फ्राई करके रखे थे वो ऐड करेंगे। ये देखिए तमाम कबाब हमने इसमें ऐड कर दिए। अभी हम इसे हिलाएंगे
हाफ से एक कप के करीब इसमें पानी ऐड कर देंगे। एक कप के करीब इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब इसको कवर करके मैं 15 से 16 मिनट तक इसको दम पर रख देंगे और इसको पकाएंगे। आप चाहे तो ग्रेवी अगर आपको ज़्यादा रखनी हो तो आप इसके अंदर पानी और अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लीजिएगा। अब कवर कर देते हैं। ये देखें 15 मिनट हो गए थे, फ्लेम हमने ऑफ़ कर दी। अब हम इसमें ये डबल रोटी का एक पीस रखा है और कोयला मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, वो हम इस पर रखेंगे। थोड़ा सा हम इसमें घी ऐड करेंगे और बस इसको कवर कर देंगे। 5 मिनट के लिए दम दे देंगे। ये देखें 5 मिनट हो गए। बस हम अब आपको ये डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए मज़ेदार से कबाब कढ़ाई तैयार हो गई है हमारी। अगर आपको मेरे की वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नंबर क्लिक कीजिए। खुदा हाफिज़।